शादी में जाना है, भारी वाली साड़ी उठाओ, प्लेट डालो, पल्ला डालो और वो भी ब्यूटीफुल से भारतीय नारी तैयार। आया मजा? नहीं, मैं कुकू, हेलो, नमस्ते, थैंक्स फॉर स्टॉपिंग बाय, स्वागत है आपका कुकू क्रिएट पे, आपका अपना प्रॉपर फैशन चैनल, क्योंकि फैशन कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है और हम अभी भी वही बेसिक सिंपल साड़ी पहन रहे हैं। साड़ी के बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन आप भी तो बोर हो गए हो ना, हर बार वही वही सब वही साड़ी पहन, देख ही नहीं पाते हम सबसे अलग, इसीलिए उसमें थोड़ा सा ट्रेंड का तड़का तो लगा ही सकते हैं ना। मैं लाई हूँ ये वीडियो जिसमें साड़ी ही साड़ियाँ लेटेस्ट लैक्मे फैशन वीक से ली गई है 1920 के, जहाँ से कुछ सेलिब्रिटी अपने लुक लाते हैं, तो इस बार हम उनको टक्कर देने वाले हैं। फर्स्ट लुक मैंने जेंटी रखी के कलेक्शन में से निकाला, क्योंकि मैंने ये रिश्ते हैं प्यार के सीरियल में एक्ट्रेस को पहनते हुए भी देखा था, तो आप देख रहे हो सेलिब्रिटी ये लुक पहन रहे हैं, तो इस टाइप करते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। क्या करना है, रिवर्स करो अपने साड़ी को, प्लेट्स बनाए थे वहाँ के रुक जाओ, अब पीछे ले जाओ और वहाँ पे चुनर डालो जैसे सामने रख के, वैसे के अंदर क्या करना है, इसमें चुनर को अपना ऊपर डाल के, अंदर नॉर्मल नहीं, इतना सारा कपड़ा लेना है, ये पूरे को अंदर टक करना है, क्योंकि नीचे से ऐसे देखोगे आप उठा हुआ इफेक्ट आ जाएगा साड़ी का, गाएगा है ना कुछ नया। अब जो बच्चा वाला कपड़ा है उसको अपर कॉर्नर लो उसका और पीछे ले जाके पिनअप कर दो, और सामने आपको इस टाइप के कुछ फॉलाते दिखेगा, कमर पे आप बेल्ट लगा लो थोड़ा सा सिंच करवाने के लिए, और रेडी है, बिल्कुल राधा टाइप का लुक दे रहा है ना, लव इट, I just loved it. अगर आपको इतना सारा साड़ी पहनना बहुत टाइम ले लेता है, तो आजकल नया ट्रेंड आया है, गाउन्स होते हैं जिनमें साड़ी का लुक आ रहा होता है, मतलब बनी बनाई साड़ी आती है, तो आप कुछ इस टाइप के आउटफिट्स खरीदो, बहुत प्यारी लगती है। अगर इन पे इन्वेस्ट करना नहीं चाहते हो तो मैं बताती हूँ कि साड़ी से ही ऐसा कैसे पहना जाए। पीछे प्लेट बनाओ, लेकिन लेकिन साइड में थोड़ा सा इतना कपड़ा छोड़ दो, इन प्लेट्स को ढेर सारा अंदर डालो ताकि ऊपर से साड़ी उठ जाए, एंकल लेंथ से भी ऊपर, जो अब जो इतना कपड़ा यहाँ छोड़ा था इसको प्लेट बनाओ और स्लाइड्स एकदम साइड में पैक के टक कर दो, इतना पूरा कपड़ा अंदर टक हो जाएगा, स्लिट देना है, मतलब कि एक पैर दिखना चाहिए, इसीलिए आराम से कपड़े को अंदर टक करो, दिखेगा नहीं, कंफर्टेबल लगेगा, अंदर से हाथ डाल के कर दो। अब जो राइट साइड में कपड़ा बचा है इसको भी सेम वैसे जैसे इसको भी लेफ्ट में क्या जैसे किया वैसे ही प्लीट करना है और पल्ला बना के पूरा ऊपर डाल देना है। अब इस पर आप इसको विद और विदाउट बेल्ट दोनों तरीके से पहन सकते हो। जो साड़ी है इसको प्लेन सी लाइट वेटेड मैंने जॉर्जेट के लिए ऐसी हो, और ये नीचे लेगिंग है या पैंट पहना है उसको आप अच्छा डेकोरेटिव सा दे सकते हो। पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है हमारे पूरे आउटफिट का, ऐसा लग रहा है जैसे कि एक लेगिंग के ऊपर हमने कुर्ता पहना है जो कि साड़ी के टाइप का है, पल्लू को मैंने नीचे गाउन रॉयल लुक देने के लिए लंबा सा छोड़ा है, जैसे कि ओरिजिनल ड्रेस में आप देख सकते हैं, तो पिनअप कर दो अच्छे से ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। और रेडी हमारी ड्रेस, कोई कहेगा भी नहीं कि साड़ी नहीं पहनी, क्योंकि पहनी तो साड़ी से ही है ना। ये जो हम पीछे प्लेट करने वाला देख रहे हैं ना, ये बहुत ट्रेंड में आया हुआ है, डिजाइनर सोचा आगे की जगह पीछे प्लेट करके देखते हैं, तो हमारी नेक्स्ट आउटफिट में भी वही है, सेम टू सेम ऐसे ही पीछे प्लेट करो और आगे जाके पल्ला डाल दो। इसमें अंतर क्या है, लूज छोड़ते हुए झोल देते हुए करना, और नीचे प्रोमिनेंटली चार प्लीट्स लानी है ऐसे पकड़ के, और जो राइट साइड है वहाँ पे जो अपर कॉर्नर होगा उसको खींचते जाना अंदर टर्न कर देना है पूरा इतना सारा, इससे जो नीचे वाला कॉर्नर होता है ना पल्ले का वो ऊपर होके छोटा हो जाता है और ऐसा वाला फॉल आ जाता है पूरी पूरी साड़ी। इसमें जरी की साड़ी रहने से हमारा बहुत रॉयल महारानी साहिबा टाइप का लुक भी आ गया। 2 मिनट में पहना गई साड़ी और आपकी जो ओल्ड फैशन ये साड़ी है वो फिर से रिपीट भी होगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा क्योंकि ड्रेप पहनी हमने अलग तरह कैसे है, तो पता नहीं चलेगा कि आप पुरानी साड़ी को रिपीट कर रहे हो और पूरी पार्टी में सबसे अलग लोगों की, क्योंकि आई गारंटी ऐसा कोई और साड़ी को नहीं पहन के आएगा, और साथ में कंफर्टेबल भी है क्योंकि पैंट के ऊपर पहनी है तो आप इसमें कूद दौड़ नाच सब कुछ कर सकते हो। एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते हो, बेसिक साड़ी पहनना चाहते हो, तो रिद्धि मेहरा के कलेक्शन में चलते हैं। इस साड़ी को आपको फर्स्ट राउंड जो हम साड़ी का लेते हैं ना उसी में प्लीट्स बना लेनी है, एंड सेकंड राउंड जहाँ पे एक्चुअल प्लीट्स बनाते हैं उसमें भी प्लीट बनानी है। हर बार कम कम प्लीट्स बनाओ, दो तीन ऐसे। नीचे देखोगे तो बहुत ही फ्रिल एक गाउन टाइप का बहुत ही मॉडर्न लुक आ रहा है साड़ी का। एंड जो थर्ड राउंड लेते हैं उसमें फिर पल्ला डालो, पल्ले को ऐसे हाथ पे फैला के डालो और यहाँ से खींचो पल्ले को, उससे जो है यहाँ पे प्लीट्स आएंगी, तो आपको तीन लेयर में प्लीटेड मिल गया इसमें। और फिर मैंने बेल्ट लगा लिया, तो बेल्ट के फायदे तो हमने इस सीरीज के फर्स्ट वाले वीडियो में तो देखे ही थे, नहीं देखे हैं तो ऊपर क्लिक कर के देख लो। साड़ी का कपड़ा नेट का लाइट सा रखो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, जैसे कि ओरिजिनल पीस में भी रखा है।
इसी साड़ी को मैंने एकदम नॉर्मल तरीके से पहना है, ऊपर से एक जैकेट डाली है जो कि फ्लोर लेंथ तक का है। ये विंटर्स के लिए भी अच्छा है, बॉडी पूरी कवर हो गई है, एक्सपोज नहीं हो रही है और काफी ऑफिशियल लुक दे रहा है, तो इस टाइप से भी आप कुछ एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट अगेन एक साड़ी ड्रेस है, तो आप ऐसा कुछ बाय कर सकते हो, कम पीछे प्लीट दे देते हैं तो इसके लिए साइड में प्लीट दे देनी है आपको और वहीं के वहीं ऐसे पल्ला डाल देना है। नेक्स्ट उन लोग के लिए जो साड़ी में बिल्कुल पैर फैला के बैठना चाहते हैं क्योंकि इसमें देख रहे हो एक टांग बाहर आ रही है। साड़ी प्लीट से स्टार्ट करनी है, बीच में प्लीट डालो और नॉर्मली घुमा के पल्ला चलाते हैं। वैसे का प्रिंट मैंने ज्योमेट्रिकल लिया है क्योंकि इंडो वेस्टर्न टाइप का लुक है और फोटो को देखते से मेरा पोस्चर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इस वंडर किस टाइप का इंस्पिरेशन है ये एनी सारे सेलिब्रिटीज ने ऐसा पहना है तो आप उनसे इंस्पायर होकर देख सकते हो। तो आप देख रहे हो कितने नए तरीके आए हैं साड़ी को पहनने के। अभी आलिया भट्ट की पोस्ट पे मैंने देखा था, उन्होंने एक ड्रेस पहनी हुई थी और एक्चुअल में वो साड़ी थी, तो वो तो रेडीमेड सिली सिलाई ड्रेस थी, बट उसको भी हम कॉपी कर। फायदे क्या है कि आपको टिपिकल साड़ी की जरूरत नहीं है। अगर आप साड़ी के फैन नहीं हो और आपको मैंडेटरी कहीं पर साड़ी पहन के जाना, तो वहाँ पर आप कुछ इस टाइप से पहन लो, तो कोई कह नहीं सकता कि आपने साड़ी नहीं पहनी है। एंड आप साड़ी पहन पहन के बोर हो चुके हो पर आपको और आप वेस्टर्न ड्रेसेस पहनना चाहते हो तो फिर आपके लिए भी, बट यही बात है थोड़ी सी एक्सपेरिमेंटल है, हटके है, ऐसा नॉर्मल लाइफ में कोई नहीं पहनता है, तो हम थोड़े शाय कर सकते हैं इसको पहनने में, तो प्लीज़ ऐसा नहीं किया क्योंकि आपको भीड़ से हटके लगना है तो भीड़ से हटके काम भी करना पड़ेगा। तो जैसे आप किसी इवेंट या फंक्शन में जा रहे हो इसको इस तरीके से पहन के, तो आपको खुद लगेगा कि आज आपने कुछ अलग स्पेशल किया है, तो आप जहाँ भी जाओगे वहाँ पे स्पेशल परफॉर्मेंस भी रहेगा आपका। जैसे कि आप 10-5 लोगों से बात करने वाले होंगे तो आप 20 लोगों से बात करोगे, सबको दिखाना है ना जाके साड़ी, नहीं अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाता है, इसलिए एक अच्छी फीलिंग आ जाती है उस इवेंट के लिए, हम ज़्यादा डिवोटेड लगते हैं इसलिए। एंड साथ में क्या होता है, आप जब भी आपको मिरर में देखोगे तो आप कुछ नए अलग ही रूप दिखेगा आपका, तो आपको थोड़ा प्राउड फील भी होगा, कॉन्फिडेंट फील होगा, विच आई थिंक इज अ गुड फील टू लिव विथ। तो वाई नॉट, देरी किस बात की, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल बटन दबाओ, इस लुक को ट्राई करो। सब्सक्राइब तो कर ही दिया है ना आपने, तो लुक को ट्राई करो एंड जब करोगे तो मुझसे शेयर करना मत भूलना। ये है मेरे इंस्टा एंड फेसबुक के लिंक्स एंड नेक्स्ट वीडियो भी आ रहा है, इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, तो स्टे कनेक्टेड, मिलते हैं वहीं, तब तक के लिए स्टे स्टाइलिश, बाय बाय।